गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जैसा कि हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 की प्रॉब्लम नंबर 5-6 तक बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ जाएंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस 2k दिया है। मॉड वेक्टर ए निकालेंगे, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 6 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 बाई मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, 1 बाई रूट 6 इंटू वेक्टर ए के आई प्लस जे प्लस 2k, यानी 1 बाई 6 आई प्लस 1 बाई रूट 1 बाई रूट 6 आई प्लस 1 बाई रूट 6 जे प्लस 1 बाई प्लस 2 बाई रूट 6 के, यानी 1 बाई रूट 6 को तीनों से हमने मल्टीप्लाई कर। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी के वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट पी एंड क्यू आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गिवेन है। तो पी क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर के, 4 माइनस 1 आई प्लस 5 माइनस 2 जे प्लस 6 माइनस 3 के इज इक्वल टू 3 आई प्लस 3 जे प्लस 3 के। मॉड वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 27 यानी 3 रूट 3। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई मॉड पी क्यू इंटू पी क्यू वेक्टर पी क्यू, 1 बाई 3 रूट 3 इंटू 3 आई प्लस 3 जे प्लस 3 के, वैल्यू पुट कर दिया 3 बाई रूट 3, 3 कॉमन ले लिया तो 3 बाई रूट 3 आई प्लस जे प्लस के, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट 3 आई प्लस 1 बाई रूट 3 जे प्लस 1 बाई रूट 3 के। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फॉर गिवन वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस बी एंड बी माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस के। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस आई माइनस जे आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे प्लस माइनस के, 2 माइनस 1 आई प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस 1 के, यानी आई प्लस के। सो मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 1 बाई रूट 2 आई प्लस के, 1 बाई रूट 2 आई प्लस 1 बाई रूट 2 के। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 आई माइनस जे प्लस 2 के विच इज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। द गिवन वेक्टर इज वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई माइनस जे प्लस 2 के, मॉड ए वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 25 प्लस 1 प्लस 4 रूट 30। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, 1 बाई रूट 30 इंटू 5 आई माइनस जे प्लस 2 के। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 8 इंटू 1 बाई रूट 30 5 आई माइनस जे प्लस 2 के, अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 बाई रूट 30 आई प्लस 8 बाई रूट 30 जे प्लस 16 बाई रूट 30 के। प्रॉब्लम नंबर 11 में कह रहा है, शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3 जे प्लस 4 के एंड माइनस 4i प्लस 6 जे माइनस 8 के आर कोलिनियर। देखिए वेक्टर ए 2i माइनस 3 जे प्लस 4 के, वेक्टर बी माइनस 4i प्लस 6 जे माइनस 8 के, यहाँ पे हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2i माइनस 3 जे प्लस 4 के, यानी ए और बी जो है वो सेम हो गया। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम हो गया, देयरफॉर दे आर कोलिनियर, इसलिए ये कोलिनियर है। जब डायरेक्शन सेम होगा तो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे।